डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, मतलब पिछले 20 तारीख से 7 दिनों में एकाएक आपको दिखा होगा कि आज जो 8वां दिन है, मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है, क्योंकि सारे सफेद थे, खाली क्लास यहाँ पे था और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स होता था उसका चेंज हो जाता था। बाद बाकी चूंकि एक ही चीज था तो कभी कभी पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता था। तो 7 दिन का तो हो चुका है एक ही कलर में, अब मैंने अगले 7 दिन के लिए, चूंकि ये 30 दिन का क्लास है, बैकग्राउंड का कलर जो है मैंने हल्का नीला किया हुआ है, जिससे आप बड़ी तेजी के साथ पकड़ ले सकें। क्योंकि संख्या पद्धति देखो, 7 से 7 दिन पहले भी था, पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो अगर 2 संख्या पद्धति ढूंढने के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, और जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले 7 दिन का क्लास का लिंक दिया हुआ है, और तो उससे आप पिछले 7 दिन के क्लास को देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहां केवल एक ही भरोसा है कि गणित में आप जितने भी कमजोर हैं, 30 दिन की इस क्लास को तन्मयता से करें। हर दिन केवल 15 से 20 मिनट का क्लास होता है, जबकि आज का क्लास लंबा है, ये करीब करीब 45 मिनट तक चलेगा, लेकिन पीछे सारे क्लास जो है 15-20 मिनट में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आज के क्लास में बहुत कुछ अहम बातें को हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, और डिस्क्रिप्शन से पीछे का जो है मटेरियल्स को आप मतलब क्लास 1 डे 1 से क्लास को करने के लिए शुरू हो जाएं। तो चलिए, हम पहले अब बिना वक्त गंवाएं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने 20-7 को संख्या पद्धति का पार्ट 1 किया था, आज 27-7 है, आज संख्या पद्धति के पार्ट 2 को करेंगे। तो चलिए, और ये पार्ट 2 में ही खत्म नहीं होगा, ये संख्या पद्धति का पार्ट 3 भी आएगा, जिसके बाद आप बोलेंगे कि आप जिस लेवल में एग्जाम दे रहे हैं, मतलब अप टू एलपी लेवल तक, लोको पायलट लेवल तक, कोई असुविधा नहीं होगा किसी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए, पहले के एक नजर डाल देते हैं फटाफट, पिछले जो 7 दिन पहले क्या किए थे। तो आपको याद होगा कि हमने सिंपल देसी भाग कैसे दिया जाता है उसे थोड़ा सीखा था। फिर है कि जैसे सवाल आते हैं कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक संख्या होंगे जो 2 या 3 से दोनों से विभक्त हो, तो हमने सिंपली देसी भागा से निकाल के दिया था, जबकि दुनिया एक्स लेके करती है, ये बड़ा सिंपल हो जाता है। और इसके साथ प्रैक्टिस के 2 हमने सवाल भी दिए थे आप लोगों को करने के लिए। फिर है कि दूसरा, कि जब बोला जाता है कोई संख्या 221 से विभाजित हो तो शेषफल 43 मिलता है, और यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी किताब में बड़ा लंबा चौड़ा होता है, इसे भी बड़े सिंपल रूप से भागा देखे, बस सिंपल एक भागा से ही ये हम कर सकते हैं। तीसरा है कि देखिए, अगर 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये भी केवल 2 बार भागा देना पड़ता है और बड़े आराम से निकल जाता है। इसके ऊपर भी हमने कुछ सारे सवाल दिए हुए थे, तो ये हमने किया हुआ था। आगे और भी कुछ किया हुआ था, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 87 है तो वो तीनों संख्याएं क्या है, तो हर जगह एक से लेके थोड़ा सा लंबा चौड़ा इतिहास होता है, यहाँ तो सिंपल एक भागा देते हैं निकल जाता है। उसी तरह 4 क्रमागत संख्या का फिर कुछ प्रैक्टिस करने वाले का भी था। और फिर हमने पांचवां सवाल था कि 1000 में से कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो सिंपल भागा देके बिना एक से लेके कैसे निकालते हैं वो हमने दिखाया था, फिर इस पे प्रैक्टिस किया था। ये हमने जानबूझ के बोला, अगर आपने देखा भी होगा, आपको याद हुआ होगा, और आप पहली बार देखें तो आप समझ गए कि आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चीजों को बताया गया है जो आपके लेवल के सवालों में बेशुमार आते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला है कि अवशेष प्रमेय। देखिए, आपके चाहे आर एस अग्रवाल लीजिए, किसी के भी बात कर ले, मैंने खाली 1-2 को ही बोल सकता हूं कि बहुत छोटे में लोगों को बताया है, तो भी इस जगह को पता नहीं कितने लोग कंफ्यूजन में भर देते हैं। चलिए, इसे बड़े प्यार से हम करते हैं। हम बोलते हैं कि देखो अवशेष जो है, मतलब रिमाइंडर, भागा देने के बाद जो बच जाता है उसे ही अवशेष बोलते हैं, और इसके ऊपर सवाल आते हैं, रेलवे में भी आते हैं,
रेलवे के ग्रुप डी से लेके सारे जगह पे ये सवाल रहते हैं। अब देखो इसमें अवशेष जो है दो तरह का होता है, धनात्मक अवशेष ऋणात्मक अवशेष। जरा मैं समझ लें धनात्मक अवशेष क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पांच से आप भागा दीजिए नौ को, ठीक है ना, तो हम देशी प्रथा में देते हैं पांच एकम पांच, नौ से पांच किया चार। ये देखो चार पॉजिटिव है ना, तो ये चार ऋणात्मक अवशेष है, ये धनात्मक अवशेष है, ठीक है, ये तो समझ में आ गई। अब ऋणात्मक अवशेष क्या है। अब किसी ने बोला यार दस से आप नौ को भागा दो, दस से दस बड़ा है नौ छोटा है, ऐसे में स्वाभाविक अवस्था में तो हम बोलेंगे कि यार दस से तो नौ में भागा कभी जा ही नहीं सकता है, लेकिन भैया गणित है, गणित में ये हो सकता है, तो आप दस से कम दस दिए। अब अगर नौ से दस घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस वन होता है ना। अब देखो ये अवशेष क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ गया। देखो जब भी आपका भाजक जो है भाज्य से बड़ा होगा तभी आपको ऋणात्मक अवशेष होगा। अब चलिए इसका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, कैसे होता है, क्यों ये इसके ऊपर पूरा एक प्रमेय बन जाता है, रिमाइंडर थ्योरी बन जाता है, क्यों ऐसी चीजें होती है, क्या कारण है, तो जरा देखिए ये सवाल आपके ये रेलवे मैं जरा कंफ्यूज कर रहा हूं। ये दोनों सवाल में दो जगह में आए थे, अब ये रेलवे में था कि ये रेलवे में था कि ये एसएससी में था, एसएससी जीडी में था, मैं एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं भूल गया हूं। तो देखो चलो बोला गया है सोलह गुना सत्रह गुना अठारह, देखो यहां सब गुना है, इसको पांच से भागा देना है। अब या तो आपके पास है सबको आप गुना कीजिए फिर भागा दीजिए, और नहीं तो थोड़ा ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। ये ट्रिक्स प्रमेय के ऊपर है, ये कोई मेरा ट्रिक्स नहीं है भैया, किसी का ट्रिक्स नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम में बताया जाता है। हाँ कुछ लोग डफली जरूर बताते हैं कि अपनी ट्रिक्स करके, क्या बोलूं उनको मैं। तो देखो 16 को हमने 5 से भागा दिया पहले, तो 5 तिया 15, तो 16 में से 15 घटाओगे तो क्या होगा, एक बचेगा अवशेष यार, ठीक है। फिर देखो 17 को 5 से भागा देते हैं, 5 तिया 15, तो बचेगा क्या अवशेष, दो। और देखो बीच में गुणे का चिन्ह है तो हम भी गुना लिख दिया यहां पे। फिर देखो 18 है, 5 तिया 15, कितना अवशेष बचेगा दोस्त, तीन। तो यहां देखो जो यहां पे भागा देने के लिए हमने क्या किया, भागा देने के बाद जो अवशेष है उनको लिखा, और बीच में जो चिन्ह यहां पे था साइन, उस साइन को यहां पे रख दिया। इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो अगर हम फिर क्या बोलते हैं, ये जो देखो पांच यहां पे रह गया, मतलब अवशेष का जब गुणा कर रहे हैं भागा पांच का ही रखते हैं, तो तीन दूनी छह, छह बटे पांच हुआ, छह बटे पांच में अवशेष क्या होगा, देखो हम सिंपली क्या करते हैं, छह से पांच घटा देते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, छह को अगर मेरे को बोला गया है पांच से भागा देना है, बड़ी सिंपल चीज है यार, क्या होगा पांच एकम पांच, तो नीचे क्या अवशेष रहेगा, वन। तो मतलब क्या है, इससे आप इसको घटा देते हैं जो यहां पे हुआ है, ये अवशेष नहीं गया, आपको ये देने की करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो कहीं पर भी आपको भी सब कुछ जानते हो इसमें, लेकिन इसका एक उपयोग है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। अब देखो ऋणात्मक अवशेष हमने देखा ना, बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को भाग देने को बोला जाता है तो अवशेष ऋणात्मक होता है। अब देखो 16 गुना 17 गुना 18, अब भागा देने के लिए बोलता है 19, वही है जैसे 10 से हम भागा देने के लिए 9 को बोलते हैं, तो क्या होता है, ये तो जाएगा ना, जाएगा, कैसे जाएगा, ये 19 से 16 हम घटाएंगे तो -3, जैसे हमने 9 से 10 को देने की कोशिश किया -1, ठीक है। यहां पे भी हम अगर इसको लिखते हैं एक मिनट के, अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, बोला गया 19 से भागा दो भैया 16 को, ये तो जबरदस्ती वाला भागा है लेकिन इसकी जरूरत होती है, तो देखो हम एक बार देंगे, नीचे क्या होगा 19 होगा, तो फिर यहां पे क्या होगा -3 होगा, तो हम बोल सकते हैं देखो 19 और 16 का डिफरेंस ही वन, अंतर क्या है, 3 लिया, और चूंकि 16 छोटा है 19 बड़ा है इसलिए माइनस डाल दिया, यही तो किया ना। उसी तरह देखो हम इसको भागा दे रहे हैं
19 बड़ा है, 17 छोटा है, 19 से 17 घटाए तो -2, फिर अब 19 है, 18 है, 18 छोटा है तो 18 से 19 घटाए तो -1। अब हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, फिर क्या हो गया, फिर तो इन 3 और -3 -2 को गुणा करेंगे तो +6 हो जाएगा, और +6 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब जरा दोस्त समझ लो इसमें कैसे अवशेष निकलता है। जैसे ही आपको ऊपर में माइनस आ गया, ठीक है ना, आप नीचे से ऊपर को घटा डालते हैं। देखिए 19 - 6 सिंपल, कुछ भी नहीं है तो फिर आपको अवशेष 13 होगा। अगर नहीं हो तो इसको आप गुणा करके इसको 19 से भागा देकर देख लेना, अवशेष यही होगा। यह क्यों जरूरत पड़ा कि आप तीनों को गुणा नहीं करना है, लेकिन आपके पास एक मजबूरी क्या आ गया, 19 को डायरेक्ट 16 से आप भाग नहीं दे सकते हो, जब यह छोटा था तब यह भाग दे पा रहे थे, तो इसके लिए ऋणात्मक अवशेष को लेते हुए यह तरीका निकाला गया। अब देखिए आपके लिए दो सवाल है, एक ये सवाल है और एक दूसरा सवाल है, दोनों का उत्तर दे दिया गया है। अब खुद करेंगे और हर हाल में होगा, मैं जानता हूं आप कर डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम अवशेष प्रमेय 2, जो पहले मैंने दिया है उसे तो जानना जरूरी है। आपके स्तर पे ये सवाल थोड़े कम आते हैं, मैं मान लेता हूं, जो एएलपी या उसके लेवल पे जाते हैं, सीजीएल सीएचएसएल कर रहे हैं, उनके लिए सवाल ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत माथा पच्ची वाला काम है जिसके लिए मैं ये दे रहा हूं, क्योंकि अब सवाल का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये अगर आ जाए तो आप ऐसा ना बोलो कि मुझे हमें सिखाया नहीं गया। तो चलिए हम सवालों को करते हैं। आप इस पे नजर देते हुए भी, चूंकि आपकी बीजगणित पता नहीं आप लोगों को सही आता है कि नहीं, अभी तक मैंने क्लास शुरू नहीं किया, आप खाली देखेंगे मामला, आप यहां से समझेंगे, इससे नहीं समझेंगे। क्यों? इससे आपको डर लगेगा अगर आपका बीजगणित सही नहीं है अभी। तो देखो एक बोला गया है ax+1 to the power n डिवाइडेड बाई a। ये अगर परिस्थिति होती है तो हम खाली एक चीज देखना है। देखो यहां भी a है, यहां भी a है, ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना, और ये प्लस अगर होता है तो n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एक हो, दो हो, चार हो, सम हो, विषम हो, जो भी हो, हर हालत में अवशेष एक होगा। अब जैसे देखो 19 to the power 545 या 545, 5000, 5 लाख, 200, 3, 4, जो भी चाहे वैल्यू रख लो, कोई अंतर नहीं होता है। अब देखो यहां 19 है, यहां 18 है। अब इसका पहला कंडीशन क्या है, ये अगर ए होगा तो ये भी ए होगा, है ना। तो लेकिन यहां तो नहीं है दोस्त, ये 19 है, ये 18 है, तो फिर हम क्या कर सकते, 19 को तो तोड़ सकते हैं ना, 18 + 1। देखो ये +1 यहां आ गया ना, और देखो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये भी 18, ये भी 18। अगर ऐसे समझा दिया जाए, हर कोई समझ जाता है यार, तो फिर अवशेष एक होगा ना। ये बीजगणित नहीं है, बीजगणित तो सहारा है भैया। अब देखो यहां पे मैंने 2a और 2b लिखा हुआ है, इसका कारण क्या है, ये दो नंबर के थ्योरी के दो पार्ट हैं। अगर बोलता है ax - 1, देखो +1 था, अभी -1 की कहानी आ रही है, और ऊपर का n जो है अगर सम होगा, ठीक है ना, तो फिर इसका भी रिमाइंडर एक होगा। लेकिन इसका कंडीशन जो है, पावर जो है, सम संख्या होना होगा। अब देखो यहां पे ये देखो 18, ये 19 है, ठीक है ना, 18 है, ये 19 है, यहां देखो 19 और 18 था, ठीक है ना। अब देखो 18 को आप +1 करोगे तो ये 19 हो जाएगा, लेकिन ये तो 18 है, तो इसे 18 ही रखना है। तो फिर क्या करोगे, 19 से अगर एक घटा देते हो तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 को हम तोड़ नहीं, 19 के लिए 19 में हमको अगर 18 को 19 के रूप में एक्सप्रेस करना होगा, व्यक्त करना होगा, तो क्या लिखेंगे, 19 - 1। अब देखो ये दोनों 19 19 हो गया ना,
ये देखो छोटी सी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि जब आप गणित करने जाओगे यही आपको कंफ्यूजन करेगा, इस चीज को समझ लेना। और ये क्या हो गया माइनस वन। तो देखो ये हमने क्या बोला था ए एक्स माइनस वन, देखो यही है ना, तो इस टाइप में ये आ गया। और इसकी पावर देखो चार है, चार मतलब सम है, इधर कुछ भी रहे। यहां पे क्या है सम या विषम किसको बोलते हैं, जिसकी एकिक संख्या यूनिट संख्या ठीक है ना ये दो से विभाज्य हो तो फिर वो क्या होता है सम संख्या होता है। और सम संख्या होगा तो ये भी क्या उसका रिमाइंडर वन होगा। तो देख लो ये दोनों एक है तो गड़बड़ कहां है, सिंपली तब खाली यही है कि चाहे ये ए एक्स हो प्लस वन हो या ए एक्स माइनस वन हो, ठीक है ना। ए एक्स माइनस वन होगा तो पावर सम में होना चाहिए, और ए एक्स प्लस वन होगा तो कुछ भी पावर हो, प्लस है तो ये सम हो विषम हो कोई नहीं पड़ता, ये दोनों में रिमाइंडर एक होता है। लेकिन अगर ये विषम है जैसे 535 ये लास्ट वाला क्या है पांच है, ये तो कभी दो से जाएगा नहीं ना, तो ये पावर इसकी विषम है। पावर इसकी जब विषम है, अब देखो 19 टू द पावर 535 डिवाइडेड बाई 18, अब हमें बराबर क्या करना है भैया, 19 को 18 माइनस वन में तोड़ेंगे तो देखो ये तो बराबर हो गया ना, ये भी 18 ऊपर भी 18 नीचे भी 18, ये भी माइनस वन के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, लेकिन देखो पावर इसका विषम है। विषम है तो क्या होगा, इसकी जो रिमाइंडर आएगी वो निगेटिव होगी, और निगेटिव होता है तो क्या होता है इससे ये घटाया जाता है। देखो ये पहले भी हमने अब भी हमने सीखा है कि अगर निगेटिव होता है जैसे यहां पे देखो तो हमने 19 से 6 घटा के 13 किया था, ये भी देखो ये भी वहीं पे 18 नीचे 18 से 1 घटाया 17 हुआ। बहुत ही आसान है दोस्त, बहुत ही आसान है, और प्रैक्टिस तो करना है। तो चलिए हम पांच सवाल इसके प्रैक्टिस पे देते हैं, इसे आप करें, नहीं हो तो कमेंट्स में लिखे कि सर नहीं हो रहा है, मैं तो बताऊंगा ही दोस्त। अब देखिए इसके बाद जो है मैं आपको एक वीडियो जो बेसिकली पहले भी दिया हुआ था मैं, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है, जिसको बोलते हैं इकाई की संख्या निकालना, क्योंकि आप इकाई की संख्या निकालना भी एक अति आवश्यक पहलू है आपके नंबर सिस्टम में। तो इसमें जो अभी जो मैं वीडियो के उस पार्ट को लगा रहा हूं, मतलब इसके बाद आप देखेंगे, वो पहले एक बार वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने अगर देखा है तो समय जरूरत नहीं, एक बार आप उसको रिविजन हो जाएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसके साथ तो ये चूंकि इस चैप्टर को कर रहे हैं तो मैंने उसको कंटिन्यूएशन में लगा दिया, लेकिन उसमें फैक्टोरियल को हटा दिया है, क्योंकि फैक्टोरियल की भावना जो है जो चीज है वो एएलपी के लिए है, तो इसको मैंने यहां से हटा दिया है कि थोड़ा सा वीडियो छोटा हो जाए तो भी दोनों मिलके जो है आपके 40 मिनट के ऊपर है, क्योंकि अभी यहां से ये 30 मिनट और जाएंगे उस वीडियो को समाप्त होने में। तो चलिए अब उस वीडियो को हम देखते हैं, और साथ ही साथ एक चीज को बोलना मैं चाहूंगा कि इसके जितने भी प्रैक्टिस होते हैं ना प्लीज करें, अगर करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होता है, पहले लोग मेरे पर बोलते थे कि मैं कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूं, अभी तो भैया आपके कमेंट्स आने के बाद 24 घंटा भी मैं नहीं होने देता हूं उसके पहले जवाब देता हूं, बुढ़ा हूं तभी बहुत सीरियस हो गया हूं। तो चलिए अब हम इकाई संख्या को निकालना सीखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, संख्या के गुणनफल का इकाई अंक निकालना जो बहुत ही आसान होता है, फिर है कि जब पावर की बात आती है तो यूनिट डिजिट का नंबर कैसे निकाला जाता है, फिर जो फैक्टोरियल अब नए तरीके से आने शुरू किए हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और काफी जल्दी में हम सारे चीजों को सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए जो हम पावर के रूप में हम निकालते हैं उसके बारे में, देखिए संख्या जो अगर इकाई की संख्या हम बोलते हैं तो 0 से 9 हो सकता है, उसको छोड़ के कोई भी इस दुनिया का कोई भी संख्या हो ही नहीं सकता अगर वो पूर्ण संख्या है। तो उसको देखिए हमने 3 ग्रुप में बांटा हुआ है, एक है 0, 1, 5, 6।
देखिए जीरो का पावर कितना भी हो, चाहे हम एन लिखे हैं, ये स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, चार लिखिए, 400 लिखिए, बराबर जीरो होगा। ये हमें समझ में आ गया। एक का भी है, अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या, एक गुना एक, एक ही होगा। एक का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक को तीन बार गुना करेंगे तो भी एक ही होगा। तो कहने का मतलब है ये जो सारे चीजें हैं, जीरो हुआ, वन हुआ, ये आप इसके पावर जितना भी हो क्यों नहीं जाए, अल्टीमेटली ये एक ही होने वाला है, जीरो का जीरो ही होने वाला है। उसी तरह पांच का देख लीजिए, चलिए हम पांच का हम क्यूब करते हैं तो मतलब क्या है, पांच को हम तीन बार गुना करेंगे, यही होता है ना मतलब, तो पांच गुने पांच गुने पांच, तो पचास पच्चीस और पच्चीस पच्चे 125, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, तो ये बराबर हुआ 125। अब देखिए 125 का आखिरी संख्या कौन सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, ये आपका पांच है। तो मतलब है पांच के वो जितना भी चाहे गुणा कर ले, जितना भी पांच के ऊपर अगर पावर एक लाख भी डाल दें, तो भी जो भी गुणनफल होगा, गुणनफल का इकाई अंक मतलब लास्ट जो अंक होगा वो आपका पांच होगा, ठीक है ना। अब वैसे लिख लीजिए छह का भी है, अब देखिए छह एकम छह, आखिरी संख्या क्या हुआ, छह ही होगा ना। अब आते हैं छह का स्क्वायर, मतलब क्या है, छह को छह से गुणा करते हैं, छह छक 36, तो 36 का देखिए इकाई अंक कौन सा है, छह है। और देखिए छह का अगर मैं क्यूब लेता हूं तो कहने का मतलब क्या है, छह को तीन बार गुना करेंगे, छह छका 36, 36 को छह से गुना करेंगे तो 216 होगा। तो 216 का भी जो है, जो आखिरी जो अंक है ये क्या है, 6 है। तो ये चार हमने समझ गए कि ये चार ऐसी संख्या है जिसके लिए इसको अलग ग्रुप वन में रखा गया है। क्या क्या है, 0, 1, 5, 6, इसकी ऊपर पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, ये हर वक्त जो है वही संख्या आएगा। जीरो के ऊपर पावर जीरो आएगा, वन के ऊपर पावर वन आएगा, पांच के ऊपर पावर पांच आएगा इकाई का अंक, छह के ऊपर पावर इकाई का अंक जो है छह होगा, ठीक है। अब आते हैं चार और नौ का। देखिए यहां पे एक मजे की बात देखिए, चार एकम चार, ये क्या है, ये आपका विषम संख्या है। चार का स्क्वायर ये देखिए, ये ऑड संख्या है, विषम है, ये पावर क्या है, इवन है या सम है। तो चार का स्क्वायर मतलब चार चार 16 मतलब छह होगा। अब देखिए चार का क्यूब, ठीक है ना, चार का क्यूब क्या है, विषम है। तो विषम है तो चार का विषम अगर होगा तो क्या होगा, देखेंगे कि ये 64 हुआ, तो बराबर चार हुआ। तो हम एक चीज देखें यहां पे, सम संख्या और विषम संख्या जो है, चार का अगर है तो विषम में चार, सम में छह। अब देखिए यहां पे नौ का हमने इसी तरह है, नौ का लीजिए, नौ एकम नौ, नौ एकम नौ हो गया, ठीक है ना, नौ को एक बार गुना करेंगे, नौ एकम नौ, और नौ का स्क्वायर क्या होगा, नौ का स्क्वायर जो होगा 81 होगा, ठीक है ना। फिर नौ का अगर क्यूब होता है उसका भी जो आखिरी अक्षर होगा वो आपका नौ होगा। तो यहां पे हमने देख लिए चार का पावर का, ये नौ का पावर जो है, नौ का अगर पावर यहां पे हम कर लेते हैं, नौ का पावर जो है अगर क्या कहते हैं, विषम है, नौ का पावर अगर विषम है तो क्या होगा, नौ का पावर अगर विषम है तो ये नौ होगा, ठीक है। मेरा यह कर्सर थोड़ा कम चलता है मेरे से, नौ का विषम अगर है, नौ एकम नौ है तो क्या होगा, ये आपका नौ होगा, ठीक है ना। मतलब नौ का पावर अगर एक है तो ये नौ होगा, और नौ का पावर अगर सम है, मतलब नौ का जैसे स्क्वायर है, तो ये बराबर क्या होगा, नौ नौ 81 बराबर क्या होगा, एक होगा। तो हमने चार और नौ का देखा कि ये सम अगर होता है, ठीक है ना,
चार का सम अगर होता है तो छह होगा, चार का विषम होगा तो चार ही होगा। नौ का देखिए थोड़ा सा उल्टा है, नौ का विषम होगा तो नौ होगा, और नौ का अगर सम होगा तो आखिरी अंक जो है एक होगा। देखिए इसको लेकर बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम गणित करना शुरू करते हैं ना, ऐसा नहीं इसको याद करना है इतने सारे को, नहीं यार कुछ नहीं करना है। लोग बोलते हैं मेरे को कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है। अब देखिए तीसरे ग्रुप में आते हैं, इसमें क्या क्या आ गया आपका, दो तीन सात आठ, ठीक है। तो देखिए पहले में चार आया, ग्रुप टू में दो आया, चार और नौ आया, और इसमें चार आया, दो तीन सात आठ। जरा देखिए ये क्या है, ये आप देखेंगे कि सम और विषम मतलब दो ही संख्या आता था, चार का जैसे आ रहा है, चार का क्या आएगा, छह और चार आएगा, मतलब चार का जो भी पावर है या तो छह आएगा या तो चार आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये डबल साइकिल में घूम रहा है, एक पहला आंसर नहीं तो दूसरा आंसर। नौ का भी देखो, या तो नौ का नौ आएगा या नौ का पावर जो भी हो एक होगा। तो नौ का कुछ भी पावर डाल दो, आखिरी संख्या जो होगा, आखिरी अंक जो होगा, या तो एक होगा या नौ होगा। चार का भी है, कुछ भी कर दो आप, उसका जो भी पावर है तो या तो छह होगा या चार होगा। अब हम ये ग्रुप तीन में देखते हैं, देखिए दो का पावर मतलब दो का एक बार गुना दो होगा, दो को अगर स्क्वायर करते हैं मतलब दो को दो दूनी चार होता है, दो का क्यूब करते हैं मतलब दो को तीन बार गुणा करते हैं तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ होता है। दो का पावर चार करते हैं, देखो अब क्या है, पावर चार जब हो गया इसको खाली दो से गुणा कर दो, आठ दूनी सोलह। तो आखिरी अंक क्या, हमारी सारी जो गणित यहां पे है, हमारी इकाई अंक मतलब आखिरी अंक, दहीने का आखिरी अंक, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसी पे सारी राजनीति है, इसी पे सारी गणित है। तो ये छह हो गया। अब देखो टू टू द पावर फाइव, तो क्या है टू टू द पावर फोर क्या था, मतलब दो का पावर चार में सोलह था, टू टू द पावर फाइव मतलब एक बार और दो से गुणा करना होगा, तो सोलह दूनी क्या होगा, बत्तीस होगा। बत्तीस का लास्ट अंक क्या होगा, दो होगा। देखो दो टू द पावर वन टू था, चार के बाद देखो फिर वही आ गया, दो आ गया। अब टू टू द पावर सिक्स, अब देखो टू टू द पावर फाइव का आखिरी अंक अगर दो था, उसको और एक पावर में एक जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, दो से गुना करेंगे टू टू द पावर सिक्स होगा, और यहां पे क्या होगा, दो को दो से गुना करेंगे तो आखिरी अंक चार होगा। इसी तरह अब टू टू द पावर सेवन क्या होता, सिंपल सी बात है कि एक दो से और गुना करना था, तो ये टू टू द पावर सेवन देखो ये भी आठ होगा, यहां भी टू टू द पावर सेवन बराबर आठ होगा, ठीक है ना। और टू टू द पावर एट, अब देखो आठ को अगर दो से गुना करेंगे तो क्या होगा, सोलह हो जाएगा मतलब छह होगा। तो देखो यही चीज है, दो चार आठ छह, यहां भी देखो दो चार आठ छह, ये रिपीट होता जाएगा। जैसे यहां पे छह के बाद चार आता है, फिर चार फिर छह, सॉरी मैंने छह चार फिर छह फिर चार फिर छह फिर चार, आखिरी अंक की बातें कर रहा हूं मैं, पावर जितना भी हो दो ही होगा। यहां भी दुनिया का दो के ऊपर कोई भी पावर रख दो तो चार संख्या में से किसी एक संख्या होगा, आखिरी अंक या तो दो होगा, आखिरी अंक या तो चार होगा, आखिरी अंक या तो आठ होगा, आखिरी अंक नहीं तो छह होगा। उसी तरह तीन का है, तीन एक कम तीन, तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन तिहाई नौ, तीन का क्यूब करेंगे मतलब एक तीन और जोड़ देंगे गुणा कर देंगे तो सत्ताईस होगा। सत्ताईस का आखिरी अक्षर समझ रहे हो ना, आखिरी अंक क्या होता है, सात होता है। फिर सत्ताईस को फिर तीन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, थ्री टू द पावर फोर हो जाएगा, और तीन को सात से गुणा करेंगे तो इक्कीस होगा, इक्कीस का यहां पे एक आ गया। सात का भी वही है, देखो सेवन टू द पावर वन सेवन, सात का स्क्वायर करते हैं तो सात सत्ता उनचास होता है, तो आखिरी अंक क्या है, नौ है, ठीक है। हमें देखो जितना भी ये देखो रेड में किया हुआ है, हमें इसी सात का टू द पावर क्यूब करते हैं तो क्या होता है, थ्री टू थ्री। लेकिन इसका ये जरूरी नहीं है कि सात का क्यूब आपको याद रहना जरूरी है, आप तो करते हैं कि सात का स्क्वायर नौ है, और अगर आपको सेवन का क्यूब करना है इसको सात से गुना कर दिया, सात नौ तिरसठ, आखिरी अंक तीन है तिरसठ का। आपको इन दोनों अंक से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम इकाई अंक की कहानी कर रहे हैं,
सेवन टू द पावर फोर, देखो यहां पे फिर तीन है तो तीन को सात से गुना करोगे, तीन सत इक्कीस, यही एक है जो लाल है, बाद बाकी हमारी ये जरूरत की चीज है ही नहीं। अब देखो सेवन टू द पावर फाइव, देखो वही सेवन हो गया, चार के बाद पांचवा जब आता है वही आता है, सेवन टू द पावर सिक्स देखो वहां पे नाइन आ गया, सेवन टू द पावर सेवन लास्ट अंक तीन होगा, सेवन टू द पावर एट लास्ट अंक वन होगा। मतलब सात का भी जितना भी आपका पावर हो चार संख्याओं में से एक होगा, या तो सात होगा या नौ होगा या तीन होगा या एक होगा। इसी तरह आठ का भी है, आठ एकम आठ, आठ अठा चौसठ में लास्ट अंक चार होगा, आठ का क्यूब होगा तो चार अठा बत्तीस मतलब दो होगा, आठ का टू द पावर फोर होगा तो मतलब आठ दूनी सोलह आखिरी छह होगा, और यही रिपीट होता जाता है। तो फिर हमने देखो यहां पे थोड़ा सा वक्त हमने लिया, खाली इस चीज को समझ लो और कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग इस पे मत लगाओ, क्योंकि जब गणित करोगे वो स्वमेव आपको होता हुआ जाएगा। लोग यहीं तक आके छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं बाप रे बाप ये कितना ज्यादा कठिन है। कोई कठिन नहीं है दोस्त, समझाने वाला इतना उसे समझाने की आपको कोशिश करता है आप उठ के भाग जाते हैं। इस कंसेप्ट में केवल इतनी ही सी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भी कंसेप्ट हम अच्छी तरह समझेंगे तभी जब कंसेप्ट के ऊपर हम तुरंत गणित करना शुरू कर देते हैं। एक तरह का सवाल पहले मैंने जान दिया बहुत ही, एक परीक्षा में आया था इकसठ गुने बासठ गुने तिरसठ डॉट डॉट मतलब चौसठ से पैंसठ, पैंसठ गुने सड़सठ गुने अड़सठ गुने उनहत्तर, ये बड़ा इसका आखिरी अंक मतलब इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखो इकाई अंक में इकसठ का इकाई अंक क्या है भैया, एक है, बासठ का इकाई अंक क्या है, दो है, तिरसठ का इकाई अंक क्या है, तीन होगा, चौसठ अगर होता है यहां पे तो उसका इकाई अंक चार है, पैंसठ है तो उसका इकाई अंक पांच है, छियासठ है तो इकाई अंक छह है, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया डॉट डॉट डॉट, ये इकाई अंक नौ है। अब देखो एक को दो से गुना किया दो, दो को तीन से गुना किया तीन दुनी छह, छह को चार से अगर गुना किया तो चार छक चौबीस। अब देखो चौबीस जब आ गया, तीन दुनी छह चार छक चौबीस, चौबीस हमारे काम का चीज नहीं है, हमारा काम का चीज क्या है, केवल इकाई अंक है। इकाई अंक चौबीस में क्या है, चार है, चार को अगर आप पांच से गुना करते क्या होता है, बीस हुआ, बीस का इकाई अंक क्या है, सुनना है, सुनना से अब दुनिया का कोई भी संख्या गुना कर दोगे तो जीरो ही होगा। चलिए अब ऐसे करके देख लेते हैं, पांच छक तीस हुआ, तीस का इकाई अंक क्या है, सुनना है, सुनना को चार से गुना किया तो सुनना है, और उसके बाद सुनना से सब कुछ गुना कीजिए, पूरी दुनिया का पूरी संख्या को गुना कर दीजिए तो भी वो जीरो ही होगा। तो आप समझ गए कि अगर आपकी नैया चार पांच दो पांच, मतलब आप एक बात समझ ले, कोई भी सम संख्या, क्या मैंने बोला, कोई भी सम संख्या अगर पांच से गुना होता है तो आपको सुनना इकाई में मिलेगा, ये आपको केवल दिमाग में रखना है। देखो पांच दूनी दस लास्ट में सुनना है, पांच चौके बीस लास्ट में सुनना है, पांच छक तीस लास्ट में सुनना है, पांच अठे चालीस लास्ट में सुनना है, पांच दसे पचास लास्ट में सुनना है। तो मतलब कोई भी सम संख्या को अगर हम पांच से गुना करते हैं तो जीरो होता है, और किसी भी सम संख्या का सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, दो होता है। तो मतलब पांच से अगर दो, क्योंकि चार के अंदर में भी देखो दो छुपा हुआ है, दो दूनी चार, छह के अंदर में भी दो छुपा हुआ है क्योंकि तीन दूनी छह, तो मतलब है पांच और दो अगर जहां गुना हो जाते हैं तुरंत शून्य का उत्पत्ति होता है। अब हम चलते हैं सवालों पे। चलिए इकाई अंक ज्ञात करें 530 टू द पावर 421। सबसे बोले कि हमारे चीज जो चीज जरूरत का नहीं है उसे हम हटा देते हैं, हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये 50 को ढोके हम क्या करेंगे यार, 50 को तो ढोने की बात नहीं होती है, तो हमने तीन ले लिया। अब देखो ये तीन क्या है, तीन देखो यहां के उन संख्या में से है, ये तीन है जिसकी साइकिल चार है, मतलब चार बार होने के बाद पुनः पांचवा में वही संख्या आता है आखिरी अंक, तो मतलब इसे हमें चार से भागा देना होगा। बहुत सारे किताबों देख क्या होता है 421 को ही चार से भागा देने लगते हैं, अब थोड़ा थोड़ा सा शॉर्टकट का जमाना आ गया है दोस्त,
हम क्या है कि किसी भी विभाज्यता में पढ़ते हैं, कोई भी संख्या का जब दहाई और इकाई संख्या चार से कटे तो फिर है क्या, वो संख्या चार से विभाज्य होगा। इसी को करने के लिए हम 421 नहीं करते हैं, हम देखो केवल 21 को लिया, ठीक है ना, इसको चार से देते हैं तो हम उजबानी कर सकते हैं, या चार पचे 20, तो शेष क्या बचा, शेष मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, शेष क्या बचा, 21 में से 20 घटाएंगे तो एक बचेगा। देखो यही एक जो है यहां पावर में आ गया, ये 421 कैसे हमारे एक में चेंज हो गया। पहला देखो, हमने दो चेंज किया, 530 का आखिरी अंक हमने तीन लिया, 421 का लास्ट का दो जो है उसे हमने चार से भागा दिया, तो चार पचे 20 हुआ, जो बचा, जो बचा वही इसका पावर बना। और तीन का पावर वन मतलब तीन एक बार है, एक बार गुना होगा तो बराबर तीन होगा, तो इकाई का अंक तीन हुआ। चलिए अब उसी की तरह इकाई अंक 530 का टू द पावर 423 लेके देखते हैं आप। तो देखो 503 का फिर वही है कि ये 50 तो मेरे कोई काम का नहीं है, इसे हम हटा देते हैं, तो खाली हमने तीन लिया। और 423 का भी हमारे काम का तो 23 ही है भैया, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, 23 को हम चार से भागा देते हैं, चार पचे 20, हमारा जरूरत क्या है, शेष, तो शेष क्या बच गया भैया, तीन। यही तीन देखो पावर बन के यहां पे आ गया, ठीक है ना, तो ये तीन जो है यहां पहुंचा, और ये जो तीन शेष बचा ये यहां पहुंचा। अब तीन को करेंगे, तीन को तीन बार गुना करेंगे, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, आखिरी में क्या हुआ, सात। तो फिर हमें सात ही इकाई अंक का पूछा हुआ है, तो आखिरी अक्षर क्या होगा, इकाई अंक 7। अब चलिए इसके ऊपर और एक सवाल करते हैं, और आपको जो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल को करते हैं। अभी देखिए, हमने एक ही संख्या का हम इकाई अंक पूछ रहे थे, ठीक है ना, अब हम पूछते हैं कि चलिए थोड़ा सा हम सरलीकरण के रूप में ले लेते हैं। बोलता क्या है कि 503 ये भैया ये यहां पे ये है, ये माइनस माइनस नहीं है, 503 का टू द पावर 421 प्लस 503 का पावर 423, हमने जानबूझ के यही संख्या को लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 503 का 421 हमने किया हुआ है, तो क्या किया था, देखो तीन ले लिया था और 21 को पांच से भागा दिया था, पांचों के 20, शेष क्या बचा था, एक, एक को लिख दिया था, प्लस देखो 503 का क्या था, हमने तीन लिया था, और 423 से तीन कैसे आ गया था, तो हमने 23 लिया था, 23 को हमने चार से भागा दिया था, चार पचे 20, तो बच क्या गया था, तीन बच गया था, तो तीन। अब हमने तीन का पावर एक बराबर तीन होता है, और हम तीन का क्यूब मतलब तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 का आखिरी अंक क्या है, सात है, हमने जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का फिर हमारी ये एक किसी का काम का नहीं है, क्योंकि हमें आखिरी अंक पूछा है, तो देखो इसी को लाल में किया है, यही जीरो हुआ। अब जरा पांचवा सवाल लिखते हैं, देखो यहां पे बोलता है, देखो ये माइनस माइनस मत पकड़ लेना, ये 503 का टू द पावर 421 है और 503 का टू द पावर 423 है, तो देखो फिर से हम करते हैं, हमने 503 का तीन आएगा आखिरी अंक आएगा, 421 का केवल 21 आएगा, इसे हम चार से भागा देंगे तो चार पचे 20, तो शेष हमारे काम का होता है एक आया। उसी तरह 503 का यहां भी तीन लिया, और देखो यहां 423 में हम 23 को खाली लेते हैं, फिर इसे भागा देते हैं चार पचे 20, बच जाता है तीन, ठीक है ना, तो यहां पे तीन गुना, अब तीन तिया नौ, नौ तिया 27, 27 का सात आएगा, और तीन और सात में गुना होगा, देखो यहां जोड़ है, यहां पे जो सिंबल है वही काम में आता है, यहां गुना हो गया, तो तीन सते 21, तीन सते 21 का आखिरी जो अंक है वही हमारा काम का है, तो ये वन हो गया। तो आशा करता हूं कि देखो ये अब आपको थोड़ा सा सही लगने लगा कि हाँ बड़ा आसान है, या कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है, ये चार्ट वगैरह कोई काम के नहीं होते हैं, आपको तो खाली सिंपल एक ही चीज जानना है कौन किस ग्रुप में है। तो देखो 0, 1, 5, 6 जितना भी बार गुना करो वही संख्या आता है, 4 और 9 जो है इसमें दो ही चीज आता है, 4 का क्या आता है भैया, 4 का 6 और 4 होता है, 9 का क्या होता है, 1 और 9 होता है, और ग्रुप 3 का 2, 3, 7, 8 ये 4 के साइकिल में होता है,
इतना ही याद रखना पड़ता है। चलिए हम आगे करते हैं तो चीजों को और देखिए, जो चीज हम सीखते हैं याद करने की कोशिश करते हैं, जब उसकी बार बार हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो हमें अपने आप याद हो जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने संख्या को चेंज कर दिया क्योंकि अब वो देखते देखते आपके दिमाग में एक चीज सेट कर गया होगा। अब देखो 264 है, ठीक है ना, टू द पावर 102 है, तो 264 का हमारा चार ही काम में है। यहां पे 102 का दो क्यों लिखा यार? देखो हम तो पहले दो संख्या ले रहे थे, लेकिन सुनना दो जो है, ठीक है ना, ये आप ऐसे पकड़ सकते हो, सुनना दो, दो सुनना से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, ठीक है ना, ये दो आ गया। ये हमें दो संख्या लेना था, हमने 102 है तो हम यहां पर पकड़ते हैं, दो सुनना से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, तो दो लिख दिया। अब हम यहां पे लिखते हैं, देखो ये चार है, यहां पे भी 100 होता तो दो सुनना होता, दो सुनना से कितना ज्यादा है, तीन है। अब देखो चार का अगर है, हम चार का जानते हैं कि दो ही चीज होता है, चार का जो सम होता है मतलब पावर सम में, मतलब ऐसा छोड़ो ना उसको याद करने की, छोड़ो ना, चार को दो बार गुणा करेगा चार चौके 16, ठीक है ना, तो 16 का 6 आ गया, और चार का क्यूब मतलब यही 6 को 4 से गुना करोगे तो क्या होगा, 24 होगा, 24 का आखिरी अक्षर क्या है, 4 है, जोड़ दिया तो 10, हमें तो आखिरी से ही हमारा जरूरत होता है ना, क्योंकि अब इकाई का अंक निकालना है, तो हमारा 0 हुआ। तो मेरे को लगता नहीं कहीं कि आपको यह समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए अब इस सवाल को भी करके देखते हैं। बोलता क्या है कि 2464 अपने को इतने बड़े का क्या काम है यार, हम चार ले लेते हैं, 1793 का क्या काम है यार, हम खाली 93 लेते हैं। चलिए यहां 5 आ गया है, 615 में हमें क्या 5 ही दिखेगा ना, और 317 का देखो 17 ही दिखेगा ना। अब हम देखते हैं 131 है, तो हमें क्या लेना है 131 से यार, हमारा तो काम एक ही के चलेगा ना, आखिरी अंक टू द पावर 491 में भी क्या करेंगे यार, हमें तो 91 से ही चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम दो संख्या लेके चलते हैं। अब देखिए हम अगर 93 है, ठीक है ना, अब चलिए 4 से भागा देना शुरू करते हैं, तो 4 × 2 = 8, 1 बज गया 13, 4 × 3 = 12, तो शेष क्या बचा, 13 में से 12 घटाए तो 1, ठीक है ना, ये 1 लिख दिया। अब देखिए 317 है, हम 4 से भागा देते हैं, 4 × 4 = 16, बच गया क्या शेष, 1 यहां रख दिया। अब आते हैं 91 है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं 4 × 2 = 8, तो बच गया 1, ठीक है ना, फिर 4 × 2 = 8, 1 और 1 = 11 हो गया, 4 × 2 = 8, 11 से 8 घटाएंगे तो 3 हुआ। अब देखो 4 के ऊपर 1 का मतलब क्या है, 4 हुआ, देखो बीच में सब गुणे का चिन्ह है इसलिए मैं गुणा लिख रहा हूं, 5 के ऊपर 1 मतलब 5, 1 के ऊपर दुनिया का कोई भी संख्या वो 1 ही होने वाला है, तो 4 × 5 = 20 को 1 से गुणा करेंगे 20 होगा, 20 में भी मेरी आखिरी अंक कौन सा है, इकाई का अंक सुनना है, तो इसलिए सुनना आंसर होगा। चलिए एक और समीकरण को लेते हैं, मतलब सरलीकरण को लेते हैं। बोलता है 251 का 98, तो 1 का टू द पावर 98, तो 1 के ऊपर जो भी पावर होगा 1 ही होगा, देखो ये माइनस नहीं है दोस्त, ये बार बार तो आप लोग इसको माइनस मत समझ लेना, एक काम करता हूं इसको प्लस ही कर देता हूं, नहीं तो लोग इसे माइनस समझना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये मैंने प्लस कर दिया, ये भी मैंने प्लस कर दिया। अब आते हैं प्लस, देखो प्लस आ गया, ये भी 1 है, हमें तो 2 को देखना है, 1 का टू द पावर 29, कुछ भी 1 का कुछ भी पावर हो वैल्यू आपका 1 ही आएगा। फिर देखो 6 है, अब देखो 6 क्या ग्रुप में आता है, देखो 0, 1, 5, 6, इसका जो भी पावर होगा जितना भी पावर होगा तो आखिरी क्या होगा 6 ही होगा, देखो 6 आ गया, और ये माइनस में था इसलिए माइनस 6 आ गया। फिर देखो ये प्लस है तो हमने इसको प्लस में लिखा, ये देखो 5 है, ठीक है ना, 5 किस ग्रुप में आता है, देखो 5 भी इसी ग्रुप में आता है, इस ग्रुप का कहानी क्या है कि जितनी भी हो जो भी पावर हो संख्या वही बनेगा आखिरी संख्या, तो इसलिए प्लस 5 हुआ। फिर देखो 16 है, हमें तो 6 से कारोबार है, 6 to the power 4, तो 6 देखो इसी ग्रुप में है, ये आपके एग्जाम में आया था रेलवे में, 6 to the power 4, तो फिर क्या है कि 6 को जितना बार भी गुणा करो आखिरी संख्या आपका 6 आएगा,
प्लस देखो 259। अब देखो इसकी पावर नहीं है लेकिन आखिरी संख्या क्या है, 9 है ना, ये 9 को हमने ले लिया, ठीक है ना। देखो ये प्लस 9 हो गया, ठीक है, ये बराबर 4 हो गया। तो देखिए सवाल जो है इस तरह के आते हैं, फिर एक आते हैं, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, 2137 टू द पावर 4, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 7 लेना है और तो कुछ लेना नहीं, इधर 54 लेना है, 54 अगर लेना है और 4 से हमें भागा देना है तो 13 चौके 52 होता है, ठीक है। ये हमें 7 तो दिखना ही नहीं है, 13 चौके 52 होगा तो 7 का 54 से 52 घटाएंगे तो शेष क्या होगा, 2 होगा, 7 का स्क्वायर मतलब 749, आखिरी संख्या क्या है, 9 है। देखो भैया 9 सवाल कर दिए, अब आप खुद भी अगर उतरोगे ना बुक्स को लेकर करना शुरू करोगे, देखो बड़े आराम से हो रहा है, लेकिन इसी टाइप के सवाल आपके होंगे। देखिए संख्या पद्धति में बहुत सारे सवाल हैं, आज मैं जो कर रहा हूं आप उनको खाली कीजिए। अब आते हैं इकाई का अंक, फिर चलो 343, फिर वही चीज है यार, यहां पे भी ये सारा जो है ना ये माइनस दिखने लगता है, मेरे को ही माइनस लगता है, तो आप भी देखेंगे तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना, ये भी प्लस है, एक लाइन तो मैं सीधा खींच नहीं सकता। अब देखो 343 है तो हमें तो 34 का कोई काम नहीं, हमें तो आखिरी अक्षर का काम है, ठीक है ना। और ये 125 है, हम चलिए 4 से भागा देते हैं, 4 3 12, 5 आ गया, 4 1 4, 1 बज गया, तो क्या हुआ, 3 टू द पावर 1, क्योंकि शेष ही आता है ना, देखो 3 टू द पावर 1। और देखो 5 के ऊपर जो भी पावर हो, इसका तो 5 ही हम देखेंगे ना, 5 के ऊपर जो पहले ग्रुप में है, 5 के ऊपर जो भी पावर हो आखिरी अंक 5 ही होगा। तो क्या 3 से 5 आ गया, देखो ये -2, अब एक नई चीज आ गई, -2 कभी आखिरी अंक तो हो ही नहीं सकता है दुनिया का कोई ऐसा संख्या, तो आप अगर ऐसे थोड़े लिखोगे, 1 -2 तो नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, 12 लिखो तो +12 -12 हो सकता है, ठीक है ना। ये जो ये क्या है, ये आखिरी अंक है, मतलब इधर भी तो अंक है ना, तो माइनस सिंबल के साथ कभी नहीं हो सकता है। इसका एक सिंपल सा उपाय है कि ये -2 करके कभी आ नहीं होगा, तब ऐसे में जब आपकी इकाई की संख्या माइनस में से काउंट करते हैं, 3 से 5 घटाते हैं तो -2 हो जाता है, तो फिर उस जो -2 को फिर 10 से घटा देते हैं तो 8 हो जाता है। ये 8 भी आप समझ ही रहे ना, अगर आपको 3 से 5 घटाना होता तो हमारी कंसेप्ट क्या होता है, हमारा यही कंसेप्ट होता है कि हम एक पहचान लिया तो 13 हो गया, 13 से 5 घटाया तो 8 हो गया, मामला यहीं पे है। तो भी आप इसको ऐसे ही 10 से घटाते हैं तो कभी भी गड़बड़ नहीं होता है। अब देखिए 42, अब एक और भी चीज देखिए, इसमें कुछ चीज है जो माइनस होता है क्या होगा ये मैंने आपको बताया, अब दूसरी चीज देख लीजिए, हर वक्त शेष जो बच रहा था वही शेष जो है पावर में होता था। अब देखिए 42 टू द पावर 20 है, अब कहानी जरा देख लीजिए, 2 है आखिरी, 2 है, 2 के ऊपर पावर क्या है, 0, आप 2 संख्या लेंगे तो 20 होगा, 20 को 4 से भागा देंगे तो 4 5 20 होगा, शेष तो कुछ होगा ही नहीं, तो शेष बराबर 0 है। जब ये पावर में शेष 0 बराबर होता है, देखो तो इसको बराबर हम 4 ले लेते हैं, ये आपको समझना होगा। देखिए ये कोई मैथमेटिकल चीज नहीं है, ये गणित के रूप में मैं गलत लिख रहा हूं लेकिन आपको जाके पढ़ाना नहीं है, आपको तो वस्तु स्थिति को सिंपली समझना है। तो जब भी पावर 0 हो, आखिरी अंक की मतलब इकाई अंक की जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 0 बराबर 4 ले लेना है आपको, तो मतलब 2 टू द पावर 4, ठीक है ना। देखो माइनस फिर क्या है, 625, 5 जो है, ठीक है ना, 5 टू द पावर 28, तो ऐसे भी आप 5 का ऐसे भी नहीं करके, ये तो मैं समझाने के लिए किया हूं कि अगर 4 से भागा दोगे तो 4 7 28, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 बराबर 4 होगा। अब जरा देखते हैं 2 टू द पावर 4 क्या होता है, सीधा करो ना, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का आखिरी अंक क्या है, 6, और 5 को आप जानते हो कि कितनी बार गुणा कर दो, कुछ भी कर दो, दुनिया में 5 ही आने वाला है, तो 6 - 5 = 1। तो आपको पावर 0 मतलब जब भी आता है तो ये 4 होना चाहिए, ये चीज आपको खाली दिमाग में रख लेना है, ठीक है। और
यही चीज अगर आप समझ लीजिए चार के ऊपर आता तो क्या होता, एक और भी सवाल है। चार के ऊपर अगर आप जीरो लेते, ठीक है ना, तो बराबर आप क्या लेते, आप बराबर चार बोलते, और चार का सम संख्या क्या होता है, चचों के 16, मतलब 6 होता आखिरी। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज और समझिए जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 3 to the power 3 to the power 3 है और -3 to the power 3 अंडर द ब्रैकेट 2 to the power 3 देखने में दोनों बराबर लगता है, हकीकत में ऐसा है क्या? नहीं है। ये बराबर एक्चुअली सॉरी यहां पे ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 to the power 3 to the power 3 जब ब्रैकेट नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, 3 का जो क्यूब है उसका क्यूब है, तो मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 9 3 27, देखो ये 27 हो गया। आप इसको अच्छी तरह समझ लो, 3 to the power 27 हो गया। और जब ऐसे लिखा जाता है तो मतलब बेस है, 3 to the cube है, ये बेस में आ गया, उसका क्यूब है, मतलब 3 3 9 3 27, मतलब देखो नीचे 27 हो गया, 27 का आपका क्यूब हो गया। इसे जरा ध्यान से देखें, ये आगे भी हम कुछ इसकी चर्चा करेंगे और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसका जरा अंतर निकाल देते हैं। अब 3 का 27 है तो क्या हुआ भैया, वही हम करेंगे, 4 5 20, 4 6 24, 24 हो गया, तो 27 से 24 घटाएंगे तो 3, ये देखो 3 to the power 3। और 27 का देखो 7 है आखिरी में, 7 है और 7 to the power cube। अब देखो क्या है, आपका 3 to the power cube का आखिरी संख्या क्या है, 3 3 9 9 3 27, इसलिए 7 आया। और 7 का क्यूब होता क्या है भाई, 7 7 49 और 7 9 63। देखो 49 जब लिया मैंने, 4 छोड़ दिया 9 लिया और उसको फिर से 7 से गुना किया तो 7 9 63, तो 7 से 3 गया तो बराबर 4 हो गया। तो आशा करता हूं कि देखो 11 सवाल करने के बाद अगर कहीं आपको दो भी कंफ्यूजन है तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है फिर पीछे से जाके एक बार वीडियो देख लो, देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। कभी क्या होता है कि बातों को सुनते हुए हम कुछ बातों को मिस कर जाते हैं और जब मिस कर जाते हैं तो तभी हमारी दुविधा शुरू हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। वेलकम टू DD Academy। फर्स्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन। After you will get every video update notification.